नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। पटना से ये बड़ी खबर आ रही है, मंत्री अशोक चौधरी का जेडीयू में कद बढ़ गया है। जी हां, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए मंत्री अशोक चौधरी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी ये नियुक्ति की है, यानी कि कद जो मंत्री अशोक चौधरी का बढ़ा है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से और जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी वजह से बताया जा रहा है कि उनकी नियुक्ति जो है वो की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त। हालांकि आपको याद होगा कि लगातार मंत्री अशोक चौधरी के पोस्ट को लेकर के उन पर निशाना साधा जा रहा था। मंत्री अशोक चौधरी के पोस्ट को बहाना बनाकर ये बताया जा रहा था कि नीतीश कुमार के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमितेश, जिस तरीके से मंत्री अशोक चौधरी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उनके कद को बढ़ाया गया, इससे साफ नजर आता है कि उनका जेडीयू के साथ संबंध या फिर नीतीश कुमार के साथ व्यक्तिगत संबंध दोनों ही बहुत मजबूत है। संदेश बिल्कुल छिपा हुआ है। दो दिन पहले ही जिस तरह से विवाद देखने को मिला था, अशोक चौधरी ने एक्स पर पोस्ट किया था, एक कविता के माध्यम से जो बातें कही थी उसको लेकर के विवाद हुआ था और माना गया था कि ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर के भी कहा गया, इस तरह के सवाल खड़े होने लगे थे। लेकिन बाद में उन्होंने सफाई दी, नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद फिर एक्स पर पोस्ट लेकर के उन्होंने सफाई भी दी थी और उन्हें कहा था कि नीतीश कुमार हमारे मानस पिता की तरह हैं। जब उन्होंने मानस पिता की बात की और ये कहा कि उनके बारे में भला मैं ऐसा कैसा बोल सकता हूँ, जब अशोक चौधरी की तरफ से सफाई आई उसके दो दिन बाद ही ये खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ने, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव के पद पर मंत्री अशोक चौधरी की नियुक्ति की है। निश्चित रूप से जो संबंध है उन संबंधों को भी एक तरह से दर्शाता है और एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि नीतीश कुमार से अशोक चौधरी की बॉन्डिंग वैसे ही है जैसे पहले रही है। जी बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज भी जुड़ गए। आनंद, अगर इस वक्त इस अगर कद बढ़ने को देखा जाए, जिस तरीके से जिम्मेदारी दी गई है मंत्री अशोक चौधरी को, इसे समझा जाए तो ये सीधे तौर पर जाहिर करता है कि भले किसी तरीके से पार्टी के अंदर या बाहर से दबाव बनाने वाली स्ट्रेटेजी पर काम किया जा रहा हो, लेकिन नीतीश कुमार समझते हैं किसके साथ रहना है, किसे आगे बढ़ाना है, किसे पद देना है और किसे नहीं देना है। देखिए विवाह, निश्चित तौर पर आपने सही कहा और सबसे बड़ी बात है कि अशोक चौधरी अपने दो बयान को लेकर चर्चित हो गए थे। एक गहरा मत उन्होंने जो कहा था एक जारी विषय को लेकर, उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे और उस वक्त माना जा रहा था कि कई ये कुछ लोगों ने ये भी दावा किया कि नीतीश कुमार नाराज हैं, लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार लगातार अशोक चौधरी को अपने पास बुलाते रहे और अशोक चौधरी भी लगातार सीएम हाउस जाकर उनसे मुलाकात करते रहे और कहीं से भी कोई तरह का बयान नहीं आया था। उसके बाद जो दो दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया पे जो बातें लिखी थी, एक कविता लिखा था और उसके बाद भी जेडीयू की तरफ से ही नीतीश कुमार ने हमला बोला था, उसके बाद भी माना गया था कि नीतीश कुमार इस बात को लेकर भी नाराज है। सबसे हैरानी की बात है कि अशोक चौधरी को लेकर कई नेताओं ने भी बयान दिए थे कि इस तरह का बयान सही नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा, कल जीतन राम मांझी ने भी कहा, लेकिन इन तमाम बातों के बीच में अशोक चौधरी को नीतीश कुमार ने एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। तो साफ है कि तमाम कयास जो लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार उनकी इस पोस्ट से नाराज हैं, वो तमाम बातों को धक्का बता दिया गया और ये साफ हो गया कि अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बेहद करीबी थे और करीबी ही रहेंगे और इस नई जिम्मेदारी से इसे ऐसे भी देखे कि जो कयासबाजियां चल रही थी उसे अब इस पदोन्नति कह लीजिए, इस कद को बढ़ाने के साथ विराम लगा दिया है नीतीश कुमार ने। देखिए निश्चित तौर पे अगर अशोक चौधरी को इस नई जिम्मेदारी के बाद अगर देखा जाए, अगर राजनीतिक तौर से देखा जाए तो अशोक चौधरी को जो नई जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी से साफ है कि नीतीश कुमार के भरोसेमंद अशोक चौधरी हैं और यही वजह है कि अशोक चौधरी को नीतीश कुमार ने एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए, चूंकि अभी देखिए कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि श्याम रजक को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था और अब अशोक चौधरी को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है और उन्हें जिम्मेदारी भी दी गई है कि पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी और कैसे मजबूत हो, इसकी भी जिम्मेदारी दी है। तो जाहिर तौर पर राष्ट्रीय महासचिव का पद देना और खासकर इस वक्त जब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे और सवाल ये भी खड़े हो रहे थे कि नीतीश कुमार की उम्र को लेकर क्या अशोक चौधरी ने बात कही थी, उन तमाम बातों को एक तरीके से दरकिनार करते हुए नीतीश कुमार ने जो अशोक चौधरी को जिम्मेदारी दी है उससे ये साफ है कि नीतीश कुमार के करीबी जो बार बार चर्चा होती थी कैसे नीतीश कुमार चौधरी है और उन्हें लेकर किसी तरह के कयास लगाने की अब जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज आपका भी और साथ ही साथ अमितेश आपका भी।
लालू प्रसाद के बयान पर माझी की तरफ से पलटवार किया गया है। माझी जीतन राम माझी जो है उन्होंने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट किया है। लालू प्रसाद को जीतन राम माझी ने जवाब दिया है, हमारा पूरा खानदान ही मुसहर भुइया है। जीतन राम माझी ये कह रहे हैं कि भाई मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, खुलकर कहता हूँ, सार्वजनिक तौर पर कहता हूँ कि मैं मुसहर भुइया हूँ और हम गर्व से ये बात कहते हैं कि हम मुसहर भुइया है। तो जीतन राम माझी की तरफ से क्या कुछ ट्वीट किया गया है जरा वो भी देख लीजिए। सोशल साइट प्लेटफॉर्म एक्स पर जीतन राम माझी का ये पोस्ट आता है, हम मुसहर भुइया हैं और इसमें मैं गर्व महसूस करता हूं, ये मैं सबके सामने सार्वजनिक तौर पर कहता हूं, हमारे पिता मुसहर भुइया थे। ये पोस्ट के जरिए सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए बयानों के जरिए जीतन राम माझी हमारे परदादा मुसहर भुइया थे और हम ये बात खुलकर कहते हैं, गर्व से कहते हैं, हमारा तो पूरा खानदान ही मुसहर भुइया है और इसीलिए हमें इसे छिपाने की जरूरत नहीं है, इस पर हमें किसी तरह से हिचकने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही जीतन राम माझी की तरफ से ये पोस्ट आता है और उसके बाद देखिए यहाँ पर जीतन राम माझी कहते हैं कि लालू जी हम मुसहर भुइया हैं, हमारे पिता मुसहर भुइया थे, हमारे दादा मुसहर भुइया थे, हमारे परदादा मुसहर भुइया थे, हमारा तो पूरा का पूरा खानदान ही जो है वो मुसहर भुइया है। मैं ये बात गर्व से कहता हूं, आप क्या हैं, आप लोगों को ये बात जरूर कहनी चाहिए। दरअसल केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा था कि लालू प्रसाद यादव नहीं गरेड़िया हैं और इस बयान पर लालू प्रसाद ने पलटवार किया। लालू प्रसाद ने पूछा कि जीतन राम मांझी मुसहर हैं क्या, आइए आपको वो बयान सुनाते हैं लालू प्रसाद का जिसमें उनकी तरफ से दावा किया गया। मांझी जी कह रहे हैं लालू यादव यादव नहीं है, गरेड़िया है, रुक जाए रुक जाए, वो मुसहर है जी, वो मुसहर है क्या वो। तो हम पार्टी के प्रवक्ता ने लालू प्रसाद को चुनौती दी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने ये चुनौती दी है लालू प्रसाद को। हिम्मत है तो अपनी तीन पीढ़ी की वंशावली जारी कर लालू प्रसाद इस बात को साबित कर दे कि वो यादव ही हैं। लालू प्रसाद की जाति को लेकर सब कुछ लोगों के सामने साफ हो जाएगा। श्याम सुंदर शरण की तरफ से ये चेतावनी दी जाती है और चुनौती दी जाती है। बिहार में जमीन सर्वे के लिए वंशावली देने का काम तो चल ही रहा है। लालू प्रसाद दलित विरोधी मानसिकता के व्यक्ति हैं, उन्होंने दलितों को हमेशा पैरों से दबा कर रखा। मांझी को केंद्रीय मंत्री बनाने के बाद बौखलाहट में लालू प्रसाद जो है वो साफ नजर आ रहे हैं। प्रसाद यादव अपनी पूरी राजनीति में दलित विरोधी मानसिकता के रहे हैं, जब से वो राजनीति में आए दलितों को अपने पैरों की जूती समझी उन्होंने, और आज प्रधानमंत्री जी ने समाज के सबसे निचले पायदान से आने वाले व्यक्ति श्री जीतन राम मांझी जी को केंद्रीय मंत्री बनाया तो उनको और ज्यादा बौखलाहट है, और बौखलाहट में वो अंटसंट बयान दे रहे हैं। हम तो चैलेंज देते हैं उनको कि आप अपनी वंशावली जारी करिए, या आप सही मायनों में यादव हैं या आप सही मायनों में गड़ेरी हैं, पता चल जाएगा। आपके बिहार सरकार में तो जमीन का सर्वे में लोग वंशावली बना रहे हैं। और आपको वो बयान सुनाते हैं जो जीतन राम मांझी ने 19 सितंबर को दिया था। एक बात है कि वो लोग नहीं पढ़े हैं, हम तो पढ़ के आए ही हैं। वो PhD है, नेट है, प्रोफेसर है, हम भी ऑनर्स किया है, उनकी डिग्री क्या है वो बतावें, एक चीज। दूसरी बात, यदि वो शर्मा हमको कहते हैं तो अपने पिताजी के बारे में, तो उनके पिताजी किसके जन्मे हुए हैं, गनेरिया के जन्मे हुए हैं, तो गनेरिया है, वो यादव नहीं है। तो सचमुच बिहार में जाति है कि जाति ही नहीं है। पटना से हमारे साथ संवाददाता संजय जुड़ रहे हैं। संजय, बिहार में राजनीति वाली राजनीति जो है वो दिखा रही है कि इससे इर्द गिर्द और कुछ सोचने समझने के लिए जनता को छोड़ा ही नहीं जाए, लेकिन जनता बहुत समझदार है, आप बयान एक के बाद एक भले देते रहिए। बिल्कुल, देखिए बीवा, बिहार में जाति को लेकर राजनीति कोई नई बात नहीं है। आपको खुद पता है जब भी चुनाव का वक्त आता है तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कास्ट फैक्टर को आगे रखती हैं और इसी एजेंडे पर वो आगे बढ़ती हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले जिस तरीके से जाति को लेकर बिहार में राजनीतिक गर्माहट आ गई है, वैसे मैं निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप जिस तरीके से शुरू हुआ है उससे अच्छी खासी राजनीतिक गर्माई हुई है। और जीतन राम मांझी ने तो एक्सेप्ट किया, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने सवाल खड़ा किया कि क्या वो मुसहर हैं, तो उन्होंने ट्वीट करके बता दिया कि हमें गर्व है कि हम मुसहर भुइया हैं।
और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि लालू प्रसाद यादव को जब उन्होंने चैलेंज किया कि वो गरेरिया है, तो लालू प्रसाद यादव की तरफ से इस पर कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। उन्होंने नहीं कहा कि हाँ मैं यादव हूँ। अब ऐसे में उनके पार्टी के प्रवक्ता ने चैलेंज कर दिया कि आप तीन पीढ़ियों की वंशावली जो है उसको जारी करें और बताएं जनता को कि एक्चुअल में क्या है। तो निश्चित तौर पर इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप जिस तरीके से शुरू हुआ है, वैसे में बिहार की राजनीति गरमा गई है और ये जाति की राजनीति अब कहां जाकर खत्म होती है ये देखना दिलचस्प होगा। विवाह संजय, क्या आरजेडी की तरफ से, चूंकि लालू प्रसाद ने तो जिस तरीके से गोलमोल जवाब दिया, उन्होंने भले सामने वाले पर सीधा प्रहार कर दिया हो, लेकिन जब सवाल उनसे पूछा गया तो उस पर वो गोलमोल जवाब देकर वहां से निकल गए, लेकिन क्या आरजेडी की तरफ से इस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आई? देखिए, लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने चैलेंज किया, उन्होंने बताया कि वो गरेरिया हैं, गरेरिया जाति से हैं, वो यादव नहीं हैं, तो इस पर उनका कोई प्रत्युत्तर नहीं आया, इस पर उन्होंने किसी तरह से रिएक्शन नहीं दिया। उन्होंने सीधे जीतन राम मांझी पर ही सवाल खड़ा कर दिया कि क्या वो मुसहर हैं, और उसमें जीतन राम मांझी ने एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि हम मुसहर हैं भुइयां और हमें इस पर गर्व है। तो ऐसे में जो जीतन राम मांझी ने सवाल खड़ा किया था उन पर, उसका कोई जवाब नहीं आया, और निश्चित तौर पर इस पर जवाब आएगा, चूंकि अब हम पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने लालू प्रसाद यादव को चैलेंज किया है, तो अब राजद की क्या इसमें प्रतिक्रिया होती है ये देखना दिलचस्प होगा। विवाह बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। और देखिए, जाति वाली जो सियासत है, क्यों हम कह रहे हैं कि बिहार से जाति है कि जाति ही नहीं है, उस जरा आंकड़े को देखेंगे। और इसीलिए चुनाव के वक्त जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि भाई ये क्यों तेज हो जाती है, जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, इस वक्त केंद्रीय मंत्री भी हैं, नवादा हिंसा के पीछे यादव है, उनकी तरफ से बयान आता है, तेजस्वी यादव कह देते हैं कि मांझी तो जीतन राम शर्मा है। अब देखिए कैसे एक दूसरे के ऊपर जाति के जरिए प्रहार किया जाता है, फिर पलटवार भी होता है। लालू यादव भाई यादव नहीं है, जिस यादव पर सवाल जीतन राम मांझी ने नवादा वाली हिंसा के बाद किया था, उसके बाद यह जवाब आता है कि वो यादव तो है ही नहीं, वो गरेड़िया है। और इसके बाद हम हमारा खानदान संपूर्ण, हम पूरे अपने खानदान की बात करें, गर्व से कह रहे हैं कि हम गरेड़िया जिस पर सवाल उठा रहे हैं उसे जवाब देना चाहिए, हम तो मुसहर जरूर हैं। हालांकि लालू यादव इस पर खुद के यादव या गरेड़िया को लेकर किसी तरह के बयान से बचते हुए नजर आए, लेकिन जरूर कह दिया कि भाई सामने वाला कहे कि वो मुसहर है तो जीतन राम मांझी ने कहा भी कि हाँ मैं हूं और मेरा पूरा खानदान ही मुसहर है, भुइयां जाति से मैं आता हूं। संजय, क्या अब ये मानकर चले कि भले 2025 में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, लेकिन उस विधानसभा के चुनाव से पहले उसके एक रास्ते को बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें अब अपनी अपनी जाति को लेकर गोलबंदी नजर आती है? जी बिल्कुल विवाह, और देखिए जिस तरीके से यह माहौल जाति को लेकर अब फिर से गर्माया है, बिहार के लिए कोई नई बात नहीं है। आपने देखा होगा कई बार जब चुनाव का वक्त आता तो इसी तरीके से राजनीतिक फिजा गर्मा जाती है, और विधानसभा चुनाव 2025 में होना है और उसको लेकर जिस तरीके से ये सवाल उठना शुरू हुआ है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हुआ है, तो निश्चित तौर पर जो कास्ट बेसिस की राजनीति है, जो कास्ट बेसिस पॉलिटिक्स है, वो एक बार फिर से शुरू हो गई है, गर्मा सी गई है बिहार में। और आरोप प्रत्यारोप जिस तरीके से अब जीतन राम मांझी के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने सवाल उठा दिया है, इस पर देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव या उनकी पार्टी के किसी बड़े नेता का क्या बयान आता है, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज उन्होंने किया है कि तीन पीढ़ियों की वंशावली आप जारी करें, तो इसमें निश्चित तौर पर राजद की प्रतिक्रिया आएगी, और क्या प्रतिक्रिया आती है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और इस तरीके से अगर राजनीति गर्माई है तो इस बात से इंकार नहीं कह सकता कि 2025 के चुनाव के पहले एक बार फिर से बिहार में कास्ट फैक्टर की पहले जाति जनगणना, फिर उसके बाद आंकड़े का सामने आना, उसके बाद दलित और अति पिछड़े लोगों की लेकर अपने अपने तरीके से दावे किए जाने, और अब अपनी अपनी जाति पर जंग को छेड़ देना, ये सब चुनावी वक्त में ही क्यों नजर आता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार का क्राइम बुलेटिन जारी कर दिया है, यह पहली बार नहीं है। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव इससे पहले भी क्राइम बुलेटिन जारी कर चुके हैं। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का इस्तेमाल किया और उसी पर एक पोस्ट किया है कि राम नाम सत्य सुशासन का तथ्य, अपराधियों को अर्घ, फिर तेजस्वी ने आपराधिक घटनाओं की पूरी लिस्ट ही जारी की। तो तेजस्वी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो पोस्ट किया है वो पोस्ट है बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर। हालांकि इससे पहले भी तेजस्वी यादव जो हैं वो
आंकड़े जो है अपराध को लेकर, क्राइम को लेकर बार बार जारी कर चुके हैं और उस पर पलटवार भी किया जा चुका है। बताया गया है कि भाई बताइए आज का आंकड़ा आप दे रहे हैं तो आज क्या स्थिति है अपराध और अपराधियों को नकेल कसने को लेकर, उसके डेटा हम भी रखते हैं, लेकिन जब आपके माता पिता का शासन था उस वक्त क्या स्थिति थी, क्या इस पर तेजस्वी यादव कुछ कहेंगे क्या। हालांकि तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से आपराधिक घटनाओं की लिस्ट जारी कर दी है। बिहार की सियासत में राम नाम सत्य की अब एंट्री हो गई है, इसकी शुरुआत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट के जरिए की, जिसके बाद उनके पार्टी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने इसे आगे बढ़ाकर, इधर इस पर बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण और एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता धीरेन्द्र मुन्ना ने भी अपने शब्दों से तेजस्वी यादव को आईना दिखाया। तेजस्वी जी, बिहार में जंगल राज और महाकुशासन लाने वाले लोग अब सुशासन की बात कर रहे हैं। बोलने से पहले एक बार अपना चेहरा आईना में देख लें। आपको तो याद होगा किस तरीके से आपके माता पिता के जंगल राज और कुशासन के बाद हमारी सरकार ने उन सभी अपराधियों का, उन सभी भ्रष्टाचारियों का राम नाम सत्य किया था और सुशासन की स्थापना की थी। आदरणीय तेजस्वी जी, सही में राम नाम सत्य है और आप ही की पार्टी आरजेडी के द्वारा बिहार का किया गया दुर्गत है, जिसको एनडीए की सरकार पिछले 18 वर्षों से लगातार निकाल करके आज बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है, अमन शांति लाने का काम किया है, लोगों को चैन दिया है, विकास दिया है। आप हमको अपराध और अपराधी पर बताइएगा बात। देखिए, बिहार में सुशासन का सत्य यही है कि राम नाम भी सत्य है। लगभग 150 आपराधिक घटनाओं ने बिहार वासियों को हिला करके रख दिया। चंद दिनों के अंदर ये सभी हत्या, लूट, बलात्कार, बैंक रॉबरी की घटना बिहार के अमन चैन को साफ साफ लीलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज बुलेटिन जारी हुआ है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने जारी कर करके सत्ता प्रतिष्ठान को आंख खोलने की कोशिश की है। तो देखिए, अपराध को लेकर लिस्ट जारी किया गया, आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो गए और अब सियासत देखिए राम नाम सत्य पर जाकर नजर आती है। तेजस्वी के अपराध को लेकर पोस्ट पर सियासत जारी है। मंत्री शीला मंडल ने बिहार में उनके समय में क्या स्थिति थी उनका पता उन्हें शायद नहीं हो, इसका जिक्र कर दिया। तेजस्वी जनता को बरगला रहे हैं। मंत्री रत्नेश सदा ने तेजस्वी यादव के माता पिता के कार्यकाल में 118 नरसंहार हुआ था, इसका भी जिक्र कर दिया। मुख्यमंत्री के आवास में अपराधी छिपे रहते थे। तेजस्वी का बयान पूर्णतः बेतुका है। के माता पिता के कार्यकाल में जो होता था, 118 नरसंहार हुआ उनके माता पिता के कार्यकाल में। वो बता दे, उनके माता पिता के कार्यकाल में जो 118 नरसंहार हुआ, तो नीतीश कुमार के राज में कार्यकाल में कितना नरसंहार हुआ, ये बुलेटिन कल जारी करना चाहिए। अब बुलेटिन जो जारी किया है तो जो घटना घटती है, हमारी प्रशासन के सेवक तुरंत कार्रवाई करते हुए FIR करके SP ट्रैप करके उसको सजा दी जाए। तो एक समय था जब लोग स्टेशन पर उतरते थे रात में 2 बजे तो घर नहीं आते थे, टेम्पो रिक्शा नहीं मिलता था, लेकिन आज बेधारल्ले लोग 2 बजे भी अपना घर में पहुंच जा रहे। यही है नीतीश कुमार जी की सरकार और बिहार की जनता समझ रही है इस बात को। तो लोगों को गलगलाने से कुछ नहीं होगा, बिहार की जनता, देश की जनता समझ रही है कि नीतीश कुमार जी कैसे। तो जेटू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा को बदनाम करने की साजिश नाकाम हो गई है। तस्वीर से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। पैसों की उगाही के लिए बताया जा रहा है कि तस्वीर का इस्तेमाल किया गया। 22 दिन तक तिहाड़ जेल में यह आरोपी रहा है। मधुबनी का रहने वाला आरोपी आनंद राज, जिसे लेकर अब यह खुलासा सामने है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पैसों की उगाही के लिए तस्वीर का इस्तेमाल किया गया, उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। फॉरेंसिक टीम फिलहाल मोबाइल की भी अब डेटा की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस हर एंगल से फिलहाल जांच में जुट गई है। राजनीतिक साजिश से भी इनकार फिलहाल नहीं किया जा रहा है। जेटू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद हैं संजय झा, जिनकी
एक तस्वीर को लेकर छेड़छाड़ की गई और तस्वीर की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस ने मधुबनी के रहने वाले आनंद राज नाम के एक युवक को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। 22 दिन तक आनंद राज दिल्ली के तिहाड़ जेल में रहा, हालांकि उसे अभी जमानत मिली हुई है। दरअसल पूरा का पूरा ये मामला जो है वो पैसे की उगाही से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सूत्र ये कह रहे हैं कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दिल्ली में साइबर सेल में केस दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने शिकायत दर्ज की थी कि उनकी तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई है, और इसी पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने आनंद राज को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। आनंद राज को बाद में जमानत मिल गई, लेकिन दिल्ली पुलिस अभी भी सभी पहलुओं पर सभी एंगल से इस मामले में जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने आनंद राज के मोबाइल को भी फॉरेंसिक टीम के पास जांच के लिए भेजा है और हर तरीके से जांच और तलाश जो है वो की जा रही है कि क्या कोई राजनीतिक साजिश के तहत तो ये सब कुछ नहीं किया गया, इस पहलू पर भी जांच हो रही है। आनंद राज के कॉल डिटेल्स को भी खंगाला जा रहा है, आनंद की किससे बात होती थी इस पर भी जांच की जा रही है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आनंद राज ने दिल्ली पुलिस के सामने इस बात को कबूल कर लिया है कि पैसे के लिए ही उसने ऐसा किया था और जिस व्यक्ति को फोटो भेज रहा था उससे बदले में पैसे की मांग की जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक आनंद राज ने भी ये स्वीकार किया कि परिवार की माली हालत खराब है, लिहाजा उसने पैसे के लिए ऐसा किया है। और फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस।